हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको लघु पारसरी के श्लोक नंबर 26, 27, 28, जिसमें मारक निर्णय है और पूर्व में भी मारक निर्णय के विषय में बताया गया है, उस पर बात करते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, जरूरत पड़ने पर संपर्क कर सकते हो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंदकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधो शुक्रो शुक्र शनि राहु केतवे केतो कुर्वन्ते सर्वे मम सुप्रभात। ये श्लोक नंबर 26 से है, स्टार्ट होता अलाभे पुनरेतसाम संबंधे वेस्तु कच्छिच्छु शुभानाम च दशस्वस्थ अष्टमे च दशासु च। टीका राम, जिसमें रामेश्वर भट्ट की जो टीका है, इसमें वो कहते हैं टीकाकार, जो व्याधीश की अथवा द्वादशेष से संबंध करने वाले पापी ग्रहों की दशा का भी अलाभ हो तो द्वादशेष से संबंध करने वाले शुभ ग्रहों की दशा में मरण कहना चाहिए, और जो वयस संबंधी शुभग्रह की दशा भी ना हो तो कभी कभी अष्टमेश की दशा में भी मरण कहना चाहिए। तो पहले जो 12वें को बताया है कि 12वें से भी जो है डेथ होती है, लेकिन ये जरूर जान लेना चाहिए कि डेथ तब होती है जब आपकी आयु खत्म हो जाए। यदि किसी की आयु खत्म नहीं है, आयु शेष है, तो ये सब जो सूत्र है कोई काम के नहीं है। तो 12वें को माना है, और मुकुंद वल्लभ ने जो इसकी कमेंट्री में लिखा है अपने श्लोक 26 का, यदि पूर्वोक्त मार्केश आदियों की दशा का अलाभ हो तो द्वादशेष से चतुर्विध संबंध करने वाले शुभ ग्रह। चतुर्विध संबंध के विषय में पहले हमने बताया है, स्थिति दृष्टि संयुक्त साथ में रहना आदि संबंध है। यदि पूर्वोक्त मार्केश आदियों की दशा का अलाभ हो तो द्वादशेष से चतुर्विध संबंध करने वाले शुभ ग्रहों की दशा में मरण होता है, और जो द्वादशेष संबंध शुभ ग्रह की दशा का भी लाभ ना हो। पहले तो बोला कि भाई 12वें से संबंध, द्वादशेष से संबंध रखने वाले ग्रहों की दशा, और यदि इनके ऐसा नहीं हो पाया तो यदि 12वें से संबंध रखने वाले शुभ ग्रह में भी नहीं हुआ तो कहता है कि अब अष्टमेश की दशा में मरण कहना चाहिए। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद श्लोक नंबर जो 27 है वो कहता है, जो मारक का असंभव हो तो मार्केश से संबंध रहित भी तीसरे छठे ग्यारहवें स्थान के स्वामियों की दशा में ज्योतिषियों को मरण कहना चाहिए। ठीक है, मुकुंद वल्लभ कहते हैं इसमें, यदि पूर्वोक्त सब मार्केश ग्रहों में से किसी की भी ग्रह दशा ना हो। पहले बताया कि भाई दूसरा स्थान, फिर सातवां स्थान, उनसे संबंध रखने वाले ग्रह, फिर बताया 12वां स्थान, फिर बताया कि 12वें से संबंधित शुभ ग्रह, फिर वो भी ना हो तो फिर उसको अष्टमेश को देखो आप, अष्टमेश भी ना हो तो फिर कहता है कि जो सभी मारकों से भी संबंध ना रखे तो तीसरे छठवें ग्यारहवें स्थान, ये त्रिष्टाय है, 3, 6, 11 के स्वामियों की दशा में ही ज्योतिष को मरण कहना चाहिए। यदि पूर्वक सब मार्केश ग्रहों में से किसी भी ग्रह की दशा प्राप्त ना होती तो मार्केश के संबंध से रहित तीसरे छठे ग्यारहवें स्वतंत्र हो गए। तीसरे छठे ग्यारहवें भी मार सकते हैं। तीसरे छठे ग्यारहवें स्थान के स्वामी पाप ग्रहों की दशा में, दशांतर प्रत्यंतर में पाप लड़ी के अनुसार ज्योतिर्विद विद्वानों को मारक की कल्पना करनी चाहिए। आयुर्दाय रहते हुए यदि मारक ग्रह की दशा आवे तो उसमें विद्युजन केवल शारीरिक कष्ट बताएं। यही मैं बताना चाहता हूं, यदि आपकी आयु बची है तो हो सकता है कि 20 साल के लड़के को मारक की दशा लग गई तो मरेगा थोड़ी भाई। ठीक है, यदि 55 साल के व्यक्ति को लग गई तो मरेगा नहीं, देखा यह जाएगा कि वो पूर्णायु है, अल्पायु है या मध्यम आयु है, ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अंधाधुंध जो बता रहे हैं, खासकर उड़ीसा में भी चलता है ये ऐसा, कि आपकी तो मारक लग गई, जवान लड़के को बता देते हैं मारक लग गई है, क्या आपने उसके आयु निर्णय कर लिया है? आयु निर्णय का ज्ञान है आपको? यदि आपने आयु निर्णय कर लिया कि साहब इसका तो मध्यम है, मध्यम आयु है और ये मार्केश लग रहा है, तो हो सकता है कि जीवन को खतरा हो। लेकिन नहीं, जब तक आयु निर्णय न करो, और आयु निर्णय का कठिन बहुत गणित है, फाइनली पूरे सब करने के बाद कह दिए कि अंततः ईश्वर का ही निर्णय अंतिम होगा, तो आयु निर्णय एक महत्वपूर्ण गणित है जो बहुत कम लोगों को, रेयर लोगों को बनता है, और उसी के अनुसार वो फलित बताते हैं। अब श्लोक नंबर 28 बड़ा महत्वपूर्ण है, पापकारक शनि जब मार्केशों से संबंध करता हो तो संपूर्ण मार्केशों का अतिक्रमण करके निसंदेह मारक हो जाता है। शनि के मारक होने की बात यहाँ पे कही गई है। इसमें सीताराम झा का जो विश्लेषण है, 3, 6 आदि
अशुभ स्थान के आधिपत्य से पाप कारक शनि को मारक ग्रहों से संबंध हो तो अन्य सब मारक को हटाकर उलंघर कर वही शनि ही मारक होता है, इसमें संदेह नहीं। अर्थात बिना मारक के संबंध से भी पाप ग्रह शनि समान रूप से मारक होता है। आगे सीताराम झा ने इसको विश्लेषण में और आगे कहा है, शनि स्वयं यम है अतः स्वभाव से ही मारक है, उस पर त्रिष्टाय आदि स्थान के आधिपत्य से पाप कारक हो तो प्रबल मारक होता है, फिर भी यदि मारक ग्रहों से संबंध हो जाए तो सबसे प्रबल मारक होने में संशय नहीं करना उचित ही कहा गया है। यदि शनि का 3, 6, 11 से रिलेशन हो जाए तो वो भी मारक हो जाता है और उनसे पहले मारने का विचार वो बना लेता है शनि, ठीक है। तो पापकारक शनि जब मार्केशो से संबंध करता हो तब संपूर्ण मार्केशो का अतिक्रमण करके सबसे पहले आगे लीड करता मारने के लिए, निसंदेह मारक होता है। शनि को मारक बोल रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नीलांजन सभाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्दन संभूतम तम नमामि सनश्चरम। मैं नीले कमल के समान रंग वाले सूर्य पुत्र यम के बड़े भाई छाया सूर्य की पत्नी संज्ञा और मार्तंड से उत्पन्न हुए शनिदेव को प्रणाम करता हूँ। तो भैया ये जो है इसके बारे में तो कोई बताने की जरूरत नहीं, सूर्य पुत्र यम है और यम के बड़े भाई हैं ये, ठीक है, तो यमराज हैं भैया ये, तो इनसे भी मार्केश की बात कही गई है। तो आप लोगों से निवेदन ये कि भैया आयु गणना एक कठिन टॉपिक है, यदि आपको आयु गणना बनती है तो ठीक है, नहीं तो कोई हमने ठीका नहीं ले रखा है कि कौन सा आदमी कम मर रहा है भैया हम बताएं, तो झूठा सच्चा बताने से, होशियारी बताने से अच्छा उसकी इग्नोर कर दो, ठीक है कि यार, और ज़्यादा आपको ऐसा लगता हो तो इस प्रश्न को इग्नोर कर दो कि यार मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि इस व्यक्ति का कब मरण होगा। कोई जरूरी थोड़ी है कि हम संपूर्ण ज्योतिषी बन जाएं। और यदि आपकी गणित बहुत अच्छी है और पूरी आयु गणना कर लेते हो, पिंडायु सब निकाल लेते हो, सभी सिद्धांतों को चेक कर लेते हो, तब आप ठोक हो जाकर कह सकते हो कि साहब इसकी इस दशा में जो है मृत्यु हो सकती है, ठीक है। नहीं तो कोई आपकी कलर नहीं पकड़ रहा है कि भैया मेरे को बता, जो कोई जरूरी थोड़ी झूठ बोलने से अच्छा बोलो बच जाओ, नहीं मैं यार इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा यार, ठीक है किसी और से पूछ ले भाई। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया लघु पारिसर, इस तरीके से हमारी प्रक्रिया चल रही है। अध्याय 26 सॉरी श्लोक 26 27 और ये 28, ठीक है, इनकी आज हमने गणना आपको विश्लेषण करके बताए हैं। और ये 26 27 28 इसके पहले मैंने एक जातक एक दर्शक ने कहा था कि साहब आप 1 से 6 तक नहीं बनाए हो, मैंने 1 से 6 तक इसे नहीं बनाया यार, एक पहले श्लोक में तो वो प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है, फिर इसके बाद 4थे 5वें या 6ठे स्कूलों में ग्रहों की दशाओं के विवरण दिए। अब सभी जानते हैं जो जो ज्योतिष के स्टूडेंट है कि ग्रह की दशाएं कैसे, सॉरी ग्रह की दृष्टि क्या होती है। पहले पहले दूसरे तीसरे में वो बोले कि विंशोत्तरी दशा का ही इसमें विश्लेषण है, और साहब मैंने अपने देवी का अनुभव जो है प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, मंगल चरण है, मंगलाचरण है ना, और इसके बाद 5वें 6ठे में दृष्टि के बारे में बात हुई। तो 1 से 6 तक बनाने का कोई औचित्य नहीं था, तो नहीं बनाया मैंने, ठीक है, एक सामान्य सा वीडियो बना देंगे कि 1 से 6 में क्या दिया है, आपको जरूर बहुत ज़रूरत होगी, लेकिन आप लोग खुद भी तो पढ़ो यार, हमारे भरोसे हो क्या, सब PDF में है, PDF में लिखा लघु पारसरी PDF सब मिल जाएगी आपको, काम कहीं नहीं रुकता। तो वीडियो देख के लाभ लो, लेकिन वीडियो के ही भरोसे रहूंगा मैं, ऐसे कहाँ लिखा है यार, वीडियो वाले बनाने वाले का क्या उसका मूड है, जैसा बनाए आधा सच्चा झूठा अपनी सुविधा अनुसार जो उसको उचित लगे बना देता है लोग वीडियो, ठीक है। तो वीडियो पे ही अंधा विश्वास नहीं करना भाई, आपको अपने पढ़ाई पे भी यकीन करना पड़ेगा। वीडियो वाले का क्या, रामलाल श्यामलाल कहीं से भी बैठ के कोने से बना दिया, झूठा आदमी है सच्चा आदमी है, बनता है नहीं बनता है, किन परिस्थितियों में वो काम करता है, कितना नॉलेज है, कितना पढ़ा लिखा है, ज्योतिषी है भी कि नहीं है, वो कोई परंपरागत ज्योतिषी है कि अपना एकेडमिक ज्योतिषी है, अनेक बात होती है, सच्चा ज्योतिषी है झूठा ज्योतिषी है ना। तो अपनी किताबों पर विश्वास ज़्यादा रखना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक ही आपकी गुरु है इस कलयुग में। ओरिजिनल गुरु तो आप जान ही रहे हो कि ओरिजिनल गुरुओं के क्या हाल है, बहुत मुश्किल है मिलना ओरिजिनल गुरु। तो भौतिक गुरु हमको मिलने वाले नहीं है इस कलयुग में भैया, ये ग्रंथ हैं, ग्रंथ रूपी गुरु गुरु हमारे पास उपलब्ध हैं, तब ग्रंथों का पाठन करें। आप लघु पारसरी ले लें, 2-3 राइटर की ले लें, ठीक है, हमारे पास 4-5 राइटर की रखी हुई है,
और इसलिए लगता है कि अच्छे से समझ में जाती है। वीडियो बनाते समय मैं इनको पढ़ लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं था, हम मारक में किसको इंटरेस्ट है यार, ठीक है। सब चाहते हैं हमारा प्रमोशन कब होगा ये बताओ साहब, ये मारा वारा छोड़ो आप, ठीक है। तो इतना बता के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण।